शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ये जैसे कि मूल रूप पुलिस ने सराहनीय कार्य करते थे। ऊपर क्षेत्र में एक शराब की दुकान है जहाँ पर चेकिंग की गई, तो उसी के ऊपर जो जगह थी वहां से ये सामान बरामद हुआ है, जिसमें 71 पेटी शराब है, पैसा का माल है। और इसमें दो व्यक्ति विनय कुमार पाल और कमलेश पाल ये अरेस्ट हुए हैं। ये सेल्समैन है विनय कुमार पाल और ये, और इसमें 419, 420, 467, 438, 471 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो लाइन है ये प्रताप से लाइन है, ये प्रताप निकलो यार, जाओ उठवा ले इसे, पकड़वा देते आज। थाना फूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए अवैध शराब की जो बरामदगी की है, इनके पास से करीब 3200 शीशी शराब, 71 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास है। इसमें दो व्यक्ति कमलेश पाल और विनय पाल को गिरफ्तार किया गया है, और ये व्यक्ति जहां से शराब ला रहे थे उस लिंक को भी ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस की टीमें निरंतर दबिश दे रही हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी और ये कितने दिनों से ये लोग इसके काले कारोबार में सम्मिलित थे? इसकी बाजार कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। ये प्रतापगढ़ के किसी क्षेत्र से इस तरह की शराब लाते थे और उसे यहाँ पर सरकारी दुकानों में सप्लाई किया करते थे। पूछताछ में इनके विभिन्न साथियों के कुछ नाम सामने आए हैं, जिसके पीछे पुलिस टीमें निरंतर दबिश दे रही हैं, और ये पता किया जा रहा है कि अब तक कितनी शराब इन्होंने बाजार में खपत कराई है।